राज परिवार में ऊंच पद माना क्या और कौन सा? जो राजाओं का परिवार होता है उस परिवार में ऊंचे से ऊंचा लकब कौन सा है? हैं? राजा, राजा के बाद रानी, रानी के बाद राजकुमार। राजकुमार ढेर के ढेर होते हैं, उनमें भी बड़े और छोटे होते हैं, वो सब मर्तबे हैं। राजकुमारियां भी होती हैं, वो भी मर्तबा है। फिर बड़े बड़े होदेदार भी होते हैं, प्रधानमंत्री होता है, सेनानायक होता है, उनके सहयोगी होते हैं छोटे बड़े असिस्टेंट, वो सब राज परिवार से जुड़े रहते हैं ना। फिर छोटे छोटे पद होते हैं, दास दासियां होती हैं, उनकी भी कोई हेड होगी। दास होते हैं जो बाहर रहते हैं, बाहर सेवा करते हैं, उनके भी हेड्स होते हैं। फिर राज परिवार के चांडाल भी होते हैं, वो है सबसे नीचे पद। और ढेर के ढेर होते हैं, थोड़े नहीं होते हैं। उन ढेर के ढेर के बीच में राजा रानी दो ही होते हैं। त्रेता के अंत तक राज परिवार में कितने हो जाते हैं? हैं? जो राज परिवारों में ऊंच पद पाते हैं उनकी संख्या 16,108 हो जाती है। और बाबा मुझे एकांत में नदी किनारे जंगल झाड़ी हरे हरे वृक्ष बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे स्थान पर बाबा की स्पेशल याद आती है। उनको सन्यासी कहेंगे या गृहस्थी कहेंगे? तो सन्यासी हो गए। एकांत में जाकर के याद किया तो ये बड़ी बात नहीं, लेकिन घर गृहस्थ में रह करके याद किया तो पावरफुल आत्मा साबित होती है। और बाबा ने तो बताया है एक के अंत में रहो, बुद्धि एक के अंत में लगी रहे, उसे कहेंगे सच्चा एकांत। जंगल में जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमको तो ज्ञान मिला हुआ है, ये सारी दुनिया जंगल ही जंगल है, कांटों का जंगल है, अलग से जंगल में जाने की कोई बात ही नहीं।
स्थूल एकांत में या देर तक टिके वो बड़ी बात नहीं, शांति में, शांति के वातावरण में शांत रहना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अशांति के स्थान में रह करके शांत रहना ये ही बड़ी बात है। ये सारी दुनिया में अशांति ही अशांति फैली हुई है। उस अशांत दुनिया को पावरफुल आत्माएं शांत कर सकेंगी या भागने वाली आत्माएं शांत कर सकेंगी? तो ऐसा पावरफुल बनने के लिए अभी से प्रैक्टिस करनी है। आगे चल करके चारों ओर दुनिया में अशांति अशांति होगी। बम फटेंगे तो जंगलों में भी क्या हो जाएगा? आग लग जाएगी। तो कहां जाएंगे? है? तो एकांत की बात हद में छोड़ देनी, बेहद का एकांतवासी बनना है। लंबा चौड़ा लिख दिया। तो आज सब लोग एकांतवासी होके बैठे हैं। सतयुग में इच्छा मृत्यु होती है या इच्छा मात्रम अविद्या होती है? हैं? सतयुग में इच्छाएं होती हैं, वहां कोई भी प्रकार की इच्छाएं नहीं होती। आज की दुनिया में मनुष्य बहुत दुखी होते हैं तो इच्छा करते हैं क्या हमारी मौत आ जाए। वहां सतयुग में मौत की कोई इच्छा नहीं करता। हाँ, जब मृत्यु होनी होती है तो उनको साक्षात्कार हो जाता है, इच्छा नहीं करते लेकिन उनको साक्षात्कार होता है। और साक्षात्कार करके वो बड़े आराम से समंदर के किनारे चले जाते हैं, शरीर छोड़ा और समंदर आगे बहा ले गया, खलास, कोई क्रियाकर्म आदि करने की दरकार नहीं। इच्छा मृत्यु यहां संगम में होगी, हम जब चाहेंगे तब शरीर छोड़ेंगे। हमारी इच्छा के बगैर मृत्यु भी सामना नहीं करेगी, मृत्यु पर भी विजय होगी। और कहां? सतयुग में। तो इसीलिए तो कहा ऊंचते ऊंच पद नीचे नीचे के जन्मों में होता है, नीचते नीच पद नीचे के जन्मों में होता है या ऊपर के जन्मों में होता है? कहां होता है? नीच पद नीच जन्म में होता है। जैसे जैसे नीचे जावेंगे वैसे वैसे नीच पद पाने वालों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। और है नदी के किनारे हो, नदी में गंध बढ़ेगा ना, नदी में तो गंध बढ़ेगा, वहां नदियों में कोई प्रकार का गंध नहीं जाता। सागर तो सागर है, उसमें गंध का कुछ असर नहीं पड़ता। नदियां तो गंदी हो जाती हैं, पॉल्यूशन बढ़ता है, बढ़ रहा है। और अभी तो कहां आओगे?
राज परिवार में चारा होते हैं। राज परिवार में जो राज परिवार होते हैं, जितने बड़े बड़े राज परिवार होंगे उतने नीच पद वाले भी होंगे। छोटे राज परिवार होते हो उनमें नीच पद वालों की जरूरत नहीं। जितना जितना राज्य का विस्तार बढ़ता जाता है उतना उतना नीचे काम करने वालों की संख्या भी बढ़ती जाती है। और पाना था सो पा लिया, अब हमें कुछ भी पाना शेष नहीं रह गया। क्या? हाँ, जब पा लिया सब कुछ फिर किस बात की इच्छा? तो हो गया इच्छा मात्र अविद्या। इस दुनिया में इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और नई दुनिया में इच्छाएं घटती जाती हैं। जितनी जितनी नई दुनिया होगी उतनी इच्छाएं कम होंगी। देह भान को हम आत्माभिमान के साथ दोनों तराजू में रख करके तौलें। देह भान का पलड़ा नीचे बैठ जाता है और आत्माभिमान का पलड़ा ऊपर उठ जाता है तो कुछ पता नहीं लगेगा। जब आत्माभिमान बढ़ता जाएगा तो हमारे जन्म भी खुलते जाएंगे। पहले पहले तो संगम युग में पता चलेगा कि हमारा स्टेटस क्या है। हमको पता नहीं चलता, चलो छोड़ देते हैं। कोई और ब्राह्मण है या नहीं है जिनको पता चल रहा है? ऐसे कोई ब्राह्मण है या नहीं है जिनको पता चल रहा है कि हमारा ये स्टेटस है? पहले जन्म में माला में हमारा ये नंबर है पहले जन्म में, और उस उमंग उत्साह से कार्य कर रहे हैं। उस उमंग उत्साह के आधार पर आने वाले जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को भी पास करेंगे। वो पास करने वाले नंबरवार होंगे या बिना नंबर के होंगे? उनको अपनी कुर्सी का पता लग जाएगा कि हमारी ये कुर्सी है। वो कुर्सी उनसे उनका पुरुषार्थ करावेगी। वैसे भी दुनिया में कहते हैं जिसको कुर्सी मिलती है वो कुर्सी उसको सब कुछ पहचान करा देती है। हमको पता नहीं चल रहा है, ये बात दूसरी। और जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे दुनिया जब तक है तब तक देवान रहता ही है? नहीं, दुनिया रहेगी लेकिन देहवान नहीं रहेगा। आत्मा ऐसे अनुभव करेगी जैसे शरीर ये अलग पड़ा है और मैं आत्मा अलग हूं। ऐसी प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी, ऐसी प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी कि
कि आत्मा अनुभव करे कि जब चाहे अपना शरीर छोड़ करके दूसरे के शरीर में प्रवेश करके उसकी बुद्धि को घुमा दे अच्छी तरह और अपने शरीर में वापस आ जाए। जिसकी बुद्धि घुमा दे वो एटम बम फोड़ने के लिए मजबूर हो जाए। जैसे कोई में आज भी भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो उनकी बुद्धि को घुमा देते हैं और वो काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा फरिश्ताई शरीर हमारा बन जाएगा। और एक जन्म का पता करने पर एक जन्म का पता जब लगेगा, बाबा ने तो बोल दिया मैं बच्चों के बगैर नहीं रह सकता और बच्चे मेरे बगैर नहीं रह सकते। ऐसे कोई बच्चे हैं या बाबा ने झूठ बोल दिया है? अव्यक्त वाणी में बाबा ने बोला ऐसे बच्चे हैं जिनके बगैर मैं नहीं रह सकता और बच्चे मेरे बगैर नहीं रह सकते। उस लिस्ट में हम हैं? चलो हम तो अपने को महसूस नहीं करते लेकिन बाबा ने बोला है तो हैं तो जरूर ऐसे। बाप ने तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात दी है, चलो हम अनुभव नहीं करते हैं वो नई दुनिया की सौगात का। उस दुनिया में तुम बच्चे आना जाना भी करते हो, हम अनुभव नहीं करते। लेकिन कोई बच्चे हैं जो ये अनुभव करते हैं, इसकी यादगार है। आज भी दुनिया में ऐसा वो यादगार देखने में आने लगा है। नया मकान बनाते हैं तो चारों तरफ से क्या करते हैं, उसको छुपा देते हैं, पर्दा लगाए देते हैं। तो नई दुनिया का फाउंडेशन सबको नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो जो आत्माभिमानी बनने की उस स्टेज पर पहुंचते जावेंगे, संगम युग में हमारा ये मर्तबा पक्का हो गया कि हम ही सूर्यवंश की लिस्ट में आने वाले हैं, हम दूसरे लिस्ट में जाने वाले, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले नहीं हैं। तो पहले जन्म का पता चल गया ना। वो ज्ञान ही उनसे पुरुषार्थ कराता है। दुनियादारी, घर संबंधी, मित्र संबंधी सब भुलाए देता है। देह और देह के संबंधों से नष्ट हो मोह। स्मृति आ गई अपने पद की, अपने स्टेटस की, तो वो स्मृति ही सब कुछ भुलाती है। उसे कहते हैं स्मृति लब्धा। लेकिन अभी हमारा अनुभव नहीं है तो जो अनुभव आज नहीं है वो अनुभव कल नहीं हो सकता? हो सकता है ना। उसके लिए तरीका आज ही बता दिया। क्या करो है, फॉलो हर दर। फादर क्या करता है, फादर ने क्या किया, क्या कर रहे हैं वो हम भी करें। और किसी ने पूछा शनिदेव ने महादेव को कहा मैं तुम्हारे पास आने वाला हूं। शनिचर की दशा तो खराब है, कोई शनिचर के पास आने देना
अच्छा समझेगा क्या? नहीं। राहु की दशा में आना कोई पसंद करेगा क्या? ये तो गिरती कला में ले जाते हैं। तो शनिदेव ने महादेव को कहा मैं तुम्हारे पास आने वाला हूं, तो महादेव ने कहा मेरे पास नहीं आना, तो भी शनिदेव महादेव के पास गए। तो महादेव शनिदेव के आने से पहले ही पर्वतों में छिप गए। इसका क्या मतलब हुआ? क्यों छिप गए? है पर्वत माने क्या? ऊंची स्टेज। ऊंची स्टेज में जावेंगे तो माया रावण हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नीचे की दुनिया में है, नीचे की स्टेज में रहेंगे तो इनका असर हो जाता है। और है पीछे भी है, रावण की बहन सुपनखा राम को कहती है मैं लक्ष्मण के साथ शादी करना चाहती हूं। राम और लक्ष्मण आमने सामने बैठे थे थोड़ा दूर पे, तो सुपनखा राम के पास राम के सामने गई और कहती मैं लक्ष्मण के साथ शादी करना चाहती हूं। तो राम ने सुपनखा के पीछे ऐसा लेख दिखाई दिया पीठ पर, किसका नाक कान काट दो। तो ऐसा राम ने क्यों किया? क्या खराब काम कर दिया क्या? है अच्छा किया या खराब किया? है अच्छा काम कर दिया। सुपनखा विदेशी थी या स्वदेशी कन्या थी? विदेशी कन्या थी। विदेशी कन्याएं तो इधर उधर घूमती ही रहती हैं जंगलों में। इधर उधर घूम करके जिसका चाहते हैं उसका सत्र डोलाई देती है। राम तो पक्का स्वदेशी है और लक्ष्मण भी स्वदेशी है। तो उनको इशारा दिया, नाक कान काटने का मतलब क्या है कि इनकी इज्जत धूल में मिला दो। तो लक्ष्मण राम नाक कान काट दिए, इज्जत से बेइज्जत हो गई। ये कोई खराब काम थोड़े हुआ। आगे चल के बहुत बेइज्जत होने वाली है, क्योंकि इन वैश्याओं ने ही भारत का नाम बदनाम किया है। तो जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया है उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? आखिरी जन्म में भी सजा नहीं मिलेगी क्या? है मिलेगी। कान कट गए माने ईश्वरीय ज्ञान उनकी बुद्धि में समाता ही नहीं, क्योंकि कान कटे हुए। नाक कट गई
उनकी नाक ईश्वर के और देवताओं के गुण देखती ही नहीं। तो ऐसों का संसार में रहना ही बेकार है। और रहते हैं तो सम्मान पूर्वक न रह पाए, ताकि उनको पश्चाताप हो कि ये रास्ता ही गलत है। पांडवों का किला बनाने के लिए दूरंदेशी होना चाहिए। दूरंदेशी का अर्थ क्या है? है? एक होती है नजदीक को देखने वाली बुद्धि और एक होती है दूर की बात सोचने वाली बुद्धि। तो बुद्धि ऐसी होनी चाहिए जो दूर की बात को भी समझे। किला किसे कहा जाता है? संगठन को किला कहा जाता है। संगठन बनाने के लिए जो परिवार के भांति हैं, उन परिवार के भांतियों की छोटी छोटी गलतियों को पकड़ करके तिल का तार नहीं बनाना है। बहुत क्षुद्र बुद्धि की बात, दूरंदेशी बुद्धि नहीं कहेंगे। जब बता दिया ये हमारे परिवार के हैं तो आज नहीं तो कल सुधर ही जावेंगे। जैसे बाबा ने बोला है, वरदान दिया है हम बच्चों को तुम्हारे परिवार के, सब भांति ज्ञान में चलेंगे, सारा ही ईश्वरीय परिवार बन जावेगा। तो जब मालूम है कि ये हमारे परिवार के भांति हैं, तो उनके साथ व्यवहार सलूक अच्छा करना चाहिए, या उन्हें घृणा की दृष्टि से देखना चाहिए? अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वो तो अज्ञानी हैं, जैसे छोटा बच्चा कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं समझता है, तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? जैसा छोटे बच्चों के साथ व्यवहार किया जाता है, ऐसा परिवारजनों के साथ व्यवहार करना है। तो ये इसको कहेंगे दूरंदेशी बुद्धि। यहाँ के ज्ञान रतन वहां के स्थूल रतन बन जावेंगे। और ज्ञान रतन तो सरेंडर वर्ब भी धारण करता है, नॉन सरेंडर वर्ग भी धारण करता है। तो जो सरेंडर होने वाले हैं वो क्या ज्ञान रत्नों के साहूकार बनेंगे? सरेंडर होने वालों के लिए क्या बोला है? क्या बनेंगे? राज परिवार के भांति बनेंगे। जो राज परिवार होता है, उस राज परिवार में चाहे छोटा पद पाने वाला हो चाहे बड़ा पद पाने वाला हो, दुनियावी लोगों के मुकाबले वो कम संपत्ति वाले होते हैं या धन धान से भरे पूरे होते हैं? है? धन धान से भरे पूरे होते हैं। अरे
पहले जन्मों की तो बात ही छोड़ो, आज के अंतिम जन्म में भी जो राजकाज संभालने वाले भांति हैं, उनका कितना मान है। आज लोग धंधा धोरी करना पसंद ज्यादा करते हैं, या कोई नौकरी मिल जाती है तो ज्यादा खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत पेमेंट मिलता है। प्राइवेट दुकानों में, प्राइवेट कारखानों में काम करने वालों को इतना पैसा नहीं मिलता है। जो राजकाज के काम करते हैं, धंधे करते हैं, उनको बहुत पेमेंट मिलता है, इसलिए वो तो अच्छे साहूकार जैसे ही बन जाते हैं। इसलिए साहूकारों से सरेंडर्ड वर्ग की तुलना नहीं करना चाहिए। सरेंडर होने वालों में अगर दास दासी भी बनते हैं राज परिवार के, तो भी कम पैसा पाने वाले हैं या ज्यादा पैसा पाने वाले होंगे? ज्यादा पैसा पाने वाले। एक छोटे थाने में, छोटे पुलिस स्टेशन में दरोगा को जो पेमेंट मिलता है, और प्राइम मिनिस्टर का जो दरोगा होगा उसको कितना पेमेंट मिलेगा? छोटे से ऑफिस में ड्राइवर होता है उसको जो पेमेंट मिलता है, उसके मुकाबले राष्ट्रपति का जो ड्राइवर होगा उसको कितना पेमेंट मिलता होगा? बहुत ज्यादा पेमेंट मिलता है। तो सरेंडर्ड वर्ग की तुलना दुनिया के जो साहूकार हैं उनसे नहीं की जा सकती। और हाँ, लक्ष्मी पिता के घर में उसका बहिष्कार से क्या? लक्ष्मी महालक्ष्मी पूजन होता है बाबा इस महीने में। हाँ, महीने में गणपति के हैं, गणपति के पास। हाँ, लक्ष्मी पूजन होता है घर में लक्ष्मी पिता। हाँ, क्यों? अरे कल तो पूजा है, वो तो लक्ष्मी पिता की पूजा है, उसका बहिष्कार से क्या? जब शादी होती है बच्चे की, घर घर में बच्चों की शादी होती है तो क्या कहते हैं? घर में लक्ष्मी आई। तो कोई ऐसी भी लक्ष्मी होगी ना, कोई ऐसा भी बेहद का परिवार होगा, इस वो है बेहद के परिवार में लक्ष्मी आई होगी पहले पहले, जिसकी यादगार में आज भी भारत में घर घर में लक्ष्मी का पूजन करते हैं, आवाहन करते हैं। कहां की यादगार है? संगम युग की यादगार। संगम युग में जैसा हुआ है वैसा भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर आचरण करते आए हैं। और कंट्रोल आदि बंद करेंगे बाबा, है कंट्रोल आदि बंद करेंगे फिर भाव बढ़ाएंगे। कंट्रोल मना राशन है, राशन हाँ बंद कराएंगे, हाँ फिर भाव बढ़ाएंगे, फिर भाव बढ़ाएंगे। अरे राशन बंद करने की बात क्या है, आजकल तो भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि राशन की दुकान वाले जो दुकानदार हैं वो सारा राशन पहले ही ब्लैक में बेच देते हैं, तो राशन तो पहले ही बंद हो चुका। इसलिए महंगाई तो बढ़नी ही बढ़नी है। जितना बीमारी बढ़ेगी, जितना हम बीमार पड़ेंगे, उतना हमारे धर्मराज की सजा कम होगी।
लेकिन बीमारी में करुणा सेवा तो नहीं कर पाते हैं। तो क्या धर्मराज की सजा करुणा सेवा न कर पाने के कारण ज्यादा भोगनी पड़ेगी है? बीमार पड़ते हैं तो करुणा सेवा करने का ज्यादा मौका मिलता है या वाचा सेवा करने की ज्यादा मौका मिलता है या मनसा सेवा करने का ज्यादा मौका मिलता है? करुणा सेवा से भी ज्यादा ताकतवर है वाचा सेवा, और वाचा सेवा से भी ज्यादा ताकतवर है मनसा सेवा। तो जो बीमार पड़ते हैं, कम से कम गोलियां खा करके इंजेक्शन लगा करके मनसा सेवा तो कर सकते हैं। वो मनसा सेवा की कोटि ताकत वाचा सेवा से और कर्मणा की सेवा से कई गुनी ज्यादा है। वैसे तो मौका ही नहीं मिलता है मनसा सेवा करने का, फ्री रह ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब हॉस्पिटलाइज हो जाता है आदमी तो उसको ढेर सारा टाइम मिलता है, चाहे तो मनसा को कंट्रोल करे और मनसा की सेवा करे, और चाहे तो ना करे। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है उसने कहा हमारे पास सिर्फ 2 महीने का ही धन है जो हम लोगों को पेमेंट कर सके है। 2 महीने का ही पैसा है हमारे पास। 2 महीने का एक पैसा, 2 महीने का ही हमारे पास बजट है, बजट है जो लोगों को हम दे सके है। बेहद में क्या है उसका हद में, जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है वो कहता हमारे पास 2 महीने का ही धन है जो हम पगार दे सके। ब्राह्मणों की दुनिया में एक है हिंदुस्तान और एक है पाकिस्तान। पाकिस्तान में किसका राज्य होगा, कौन सी कौम का राज्य होगा है? अरे कौन से धर्म वालों का राज्य होगा है? मुसलमानों का, इस्लामियों का राज्य होगा। तो ब्राह्मणों की दुनिया में 2 ग्रुप हैं। उन 2 ग्रुप में ऐसा ग्रुप कौन सा है जहां पहले भी मुसलमानों का राज्य था, आज भी मुसलमानों का ही राज्य चल रहा है, भीख मांगते रहते हैं मुसलमान। भीख मांगना, हत्या करना, डकैती डालना, ये किसका काम है? जोर जबरदस्ती करना किसका काम है? मुसलमानों का काम है। उन मुसलमानों के देश में कोई प्राइम मिनिस्टर भी है, वो प्राइम मिनिस्टर का कहना है हमारे पास इतना ही बचा है, वो है स्थूल धन, स्थूल पाकिस्तान के पास, और यहां है, यहां कौन सा धन है? बेहद का धन। वो धन खलास होता जाता है, दृष्टि का लेन देन करेंगे तो संकल्प बिगड़ते हुए बनेंगे, बिगड़ेल संकल्प बनेंगे, वाइब्रेशन बनेगा, या वाइब्रेशन संकल्पों का सुधरेगा, बिगड़ेगा। जब संकल्पों का वाइब्रेशन लगातार बिगड़ता रहेगा तो ज्ञान रत्नों की कमी हो जाएगी बुद्धि में, या बढ़ेंगे, कमी हो जाएगी। तो ठीक तो कह रहा है। और अभी तो बाढ़ आ गई बहुत जबरदस्त, बेहद की नदियों में भी जब ज्यादा बाढ़ आती है तो देह अभिमान की मिट्टी मिल जाती है कि नहीं पानी में?
तो ज्ञान जल में देह अभिमानी की मिट्टी मिल जाने से कचड़े वाला पानी बन जाता है, और पानी की बहुतायत अगर हो जाए, बाढ़ आ जाए, तो फिर सारे बोड़म बोड़ होंगे या जिंदा बचेंगे? बोड़म बोड़ होंगे। बेसिक में जितने ज्ञान में निकलते हैं उससे ज्यादा तो टूट रहे हैं। तो बोड़म बोड़ हो गए ना, और शिव बाप मुकर्रर रथ में निरंतर रहते हैं क्या? पता नहीं पड़ता। अच्छा, तुमको पता नहीं पड़ता तो मुरली क्या कहती है, सो तो ध्यान धरो। है हमेशा समझना है। मुरली एक तरफ ये भी कहती है कि सदा ये समझो कि इसमें शिव बाबा है, अगर सदा शिव बाबा को देखेंगे तो तुम्हारा ही कल्याण होगा, शिव बाबा सदा याद रहेगा। अगर ये समझेंगे कभी है कभी नहीं है तो कोई बात तुम्हें अनुचित लगेगी तो तुम्हारी बुद्धि में आ जाएगा ये तो इसकी मनमत है, शिव बाबा की श्रीमत नहीं है, तो अपनी मन मत पर या मनुष्यों की मत पर चल पड़ेंगे तो घाटा होगा या फायदा होगा? घाटा हो जाएगा। दूसरी बात, एक तरफ तो मुरली में बोला है सदा ये समझो कि इसमें शिव बाबा है, दूसरी तरफ बोला है बैल पर सवारी सदैव होती है क्या? है? होती है, सदैव बैल के ऊपर सवारी होती है क्या? माने भक्ति मार्ग में जो चित्र दिखाए हैं वो सदैव ही बैल पर सवार दिखाया है या वैसे भी दिखाया है, अलग से भी दिखाया है? तो ये मिसाल दिया कि वास्तव में शिव बाप सदैव सवार नहीं रहते हैं, लेकिन ये भी बोला है तुम बच्चे मेरे को जितना याद करेंगे उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो भले प्रवेश न हो लेकिन जिसमें प्रवेश होता है मुकर्रर रथ में, अगर वो याद में रहता हो तो प्रवेश मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानना पड़ेगा। ये बाहर से देखने से तो पता ही नहीं लगता कि कब याद है कब नहीं है। तो अनुमान करने की तो बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अनुमान से तो नुकसान हो जाता है। और शैव पंथियों में जो शिव उपासक है, जो शिव उपासक है उसको भी मिट्टी में दबा देते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि शिव बाप विदेशी बनकर के आता है या स्वदेशी बनकर के आता है? तो बाप विदेशी बनकर के आता है तो जो बच्चे होंगे पक्के पक्के शिव के बच्चे शैव संप्रदाय, वो बाप को फॉलो नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं? फॉलो करेंगे। तो एक तो बात यह है कि वो शैव संप्रदाय है, दूसरी बात यह है जब बाप को फॉलो करेंगे और बाप साकार तन में आता है
तो साकार तन में आते हुए भी, मिट्टी के चोले में आते हुए भी, उस मिट्टी से परे की स्टेज में रहता है या मिट्टी में मिल जाता है? और धर्म पिताएं भी आते हैं, वो भी मिट्टी के चोले में आते हैं, लेकिन वो मिट्टी से परे होकर रहते हैं या मिट्टी में उनकी आत्मा मिल जाती है? मिट्टी के संग का रंग लग जाता है। तो जो फॉलो फादर बच्चे हैं वो ऐसी आत्मिक स्टेज में पक्के रहते हैं, बुद्ध रूपी हाथ में उनके लिंग रहता है, ऐसी याद पक्की होती है कि वो देह में रहते हुए भी जैसे कि देह में है ही नहीं, इसलिए देह को मिट्टी में दबा देते हैं। मिट्टी में दबाने के बावजूद भी मिट्टी में उनकी आत्मा समाई हुई नहीं रहती है। और जब शरीर छोड़ते तो भी अपने लिंग रखते उनका मिट्टी में दबाई देते हैं। है? हाथ में लिंग रखने का मतलब क्या हुआ कि बुद्ध रूपी हाथ में आत्मिक स्थिति है, आत्मा से परमात्मा बाप दूर नहीं होता। और दूसरे धर्म वाले मिट्टी में दबाते हैं, उसका तो कारण ये है कि जब सृष्टि का अंत होता है तो और धर्म की आत्माएं देवान की मिट्टी में ही दबी रहती है, आत्मिक स्टेज का पक्का पुरुषार्थ कर ही नहीं पाती, देवान की मिट्टी में ही दब जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए उनके संप्रदाय में यही परंपरा चलती है कि जब मरे तो मिट्टी में दबा दो। और जो पक्के भारतवासी है, भारतवासियों में क्या परंपरा चलती है? यही परंपरा चलती है कि जब मरे तो देह रूपी मिट्टी को भी क्या करो, जला दो, नाम निशान भी न रहे देवान का, ऐसी स्टेज बनाई लेनी है। तो ये संगम युग की यादगार है, जो पक्के देह भारतवासी हैं वो ऐसी आत्मा की स्टेज में पक्के हो जाते हैं कि देहवान की मिट्टी जल जाती है, सारा देहवान भस्म हो जाता है। इसलिए यादगार में हिंदू जलाते हैं और विदेशी मिट्टी में दबाते हैं। और